इस प्रकार आईजीएमसी में जो 2 करोड़ 39 हजार का जो खाना वितरण करने का जो काम था, किस प्रकार से उस काम को जो है सरकार पहले 2 करोड़ 39 हजार में कर रही थी, लेकिन उसको जो है गलत तरीके से किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए उस पूरे काम को जो है 5 करोड़ रुपए में तब्दील कर दिया जाता है और काम उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति ऑलरेडी जो है ब्लैकलिस्टेड है और उसके ऊपर जो है पहले भी आईजीएमसी प्रशासन में जो ईपीएफ का जो कर्मचारियों का जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे उनका ईपीएफ का जो पैसा था उसको हड़पने का पहले भी उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद आईजीएमसी प्रशासन जो है इन सारी कंपनियों के ऊपर जो है जो जांच करने की बात है वो बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि इनके ऊपर जो है कोई जांच नहीं हो पा रही है। प्रदेश की जनता जो है सच जानना चाह रही है और जो सरकार का जो धन का दुरुपयोग हो रहा है उसको लेकर जो है हिमाचल युवा कांग्रेस जो है चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो ठेकेदार है खुद को जो है माननीय मुख्यमंत्री का बहुत करीबी बताता है। जो स्वास्थ्य विभाग के भी कई कर्मचारी हैं उन्होंने भी नाम ना बताने की शर्त पे हमें कई तथ्य जो है हमारे समक्ष रखे हैं आईजीएमसी प्रशासन को और प्रदेश सरकार को जो है सोमवार तक का अल्टीमेटम देते हैं। अगर सोमवार तक जो है प्रदेश सरकार या आईजीएमसी प्रशासन जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है सीधे तौर पर, तो हम आईजीएमसी प्रशासन का और स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करेंगे और सामूहिक तौर पर जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर, जनता के पैसों का दुरुपयोग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री का पूरा जो हिमाचल प्रदेश है उसमें हर ब्लॉक स्तर पर जो है हम जयराम ठाकुर जी का पुतला जलाएंगे।